सभी बच्चों को और ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों को जय यीशु की। यीशु हमारा सत्य। इसके पहले भाग में प्रभु के 10 नियम के बारे में बताया गया था और अब प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज हम देखते हैं सबसे बड़ी आज्ञा जो पूरी बाइबल को, सारी व्यवस्था को पूरा करती है। हम देखेंगे कि संत मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 पद संख्या 36 में लिखा है कि फरीसियों ने प्रभु यीशु से प्रश्न किया क्योंकि वे उसे परखना चाहते थे तथा प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे कि हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। प्रभु ने उत्तर दिया कि तू अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर, तथा दूसरी आज्ञा भी इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर। इन्हीं दो आज्ञाओं पर पूरी व्यवस्था और नबियों का आधार है। यह पहली आज्ञा हमें बताती है कि हम ईश्वर में विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है जिसके तुल्य और कोई नहीं है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ पर प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं हजारों पीढ़ियों तक उन पर दया करता रहूंगा। यह प्रभु का प्यार है जो हमसे प्यार करते हैं। जिस प्रकार दृष्टांत के रूप में बाइबल में एक कहानी है कि एक पिता के दो बेटे थे। छोटे बेटे ने अपने पिता से अपना सारा जमीन जायदाद में हिस्सा मांगा और धन लेकर चला गया, परंतु धन उसके काम ना आया और एक दिन उसे अपने पिता के पास लौटना पड़ा। इधर पिता उसका इंतजार करता था क्योंकि वह जानता था कि मेरे पास लौटना ही है, और ऐसा ही हुआ कि बेटा अपने पिता के पास लौट आया और पिता ने उसकी सारी गलतियों को क्षमा कर दिया। इसी तरह से हमारे प्रभु भी हर एक व्यक्ति का इंतजार करते हैं कि वे मेरे पास कब आएंगे। हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आए। जो कोई भी ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसे किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। हम अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं। वह कब होता है? जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। प्रभु ने अपने प्यार को दर्शाते हुए अपने चेलों के पैर धोए और उनसे कहा कि तुम भी ऐसा ही करना। इसका अर्थ था कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जिस तरह मैंने सबसे प्रेम किया है। संत योहन की पुस्तक में हम देखते हैं अध्याय 10 और 27 पद में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इस वचन में प्रभु बताते हैं कि हम सारे हृदय से और अपनी आत्मा से जब किसी को प्यार करते हैं, तब ही हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब ही प्रभु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। यदि हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं, उस पर चलें, उसे सुने, तब ही प्रभु भी हमें जानेंगे। हमें अपना जीवन प्रभु के वचनों के समान बनाना चाहिए।
एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। जितनी चाहत हमें ईश्वर को पाने की है, उससे कई गुना यीशु मसीह तैयार हैं। अपनी आशीषों को और अपने चमत्कारों को हमें देने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय को परखता है। प्रभु ने कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। संत लूकस की पुस्तक अध्याय 6 और 27वें वचन में लिखा है, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम कर। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो हम अपने प्रभु को अपने सारे हृदय से प्यार करते हैं। जितना प्यार हम प्रभु की ओर दिखाएंगे, उतने ही हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को प्यार करता है तो उसे कोई डर नहीं। ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रख सकता है और उसके प्रति ईमानदार रह सकता है। वह व्यक्ति जो ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करता है, वह अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनेगा। इस प्रकार से शक्ति पाकर जो कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है और जिसके मन में घृणा, विश्वास, डर और निराशा ना, परंतु वह इस प्रेम के प्रति समर्पित होकर जीवन जीता हो, वह सचमुच ईश्वर और अपने पड़ोसियों की सेवा करता है। ऐसा करके वह व्यक्ति प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाता है। वह अपने मानवीय संबंधों में मनुष्य की सच्ची गरिमा को धारण करता है। प्यार ऐसा ही होता है जो ईश्वर, पड़ोसी और अपने स्वयं को तथा इसके साथ साथ सबको अपने में अंगीकार कर लेता है। इस प्रकार हम सभी लोगों को चाहिए कि हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करें। जय सुखी।